नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आसफ जहां ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, सैयद बंधुओं ने उसे हैदराबाद की गद्दी दी, इसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ और पूर्व में बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय से नवाबों के आसफ जहां का महत्वपूर्ण स्थान था, उसने सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में अहम भूमिका निभाई। 1720 से 1722 के बीच उसने दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत की, उसे दक्कन के वायसराय के खिताब से भी नवाजा गया। 1722 से 1724 के दौरान आसफ जहां मुगल दरबार में बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर रहा, लेकिन जल्द ही वह इस काम से तंग आ गया और 1724 में वापस लौट गया और वहां उसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हालांकि इस नए राज्य की स्थापना के बाद उसने कभी केंद्रीय मुगल सरकार से अपनी स्वतंत्रता के सार्वजनिक घोषणा नहीं की। व्यवहार में वह स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगा। उसने मुगल शासक के बिना आज्ञा के कई लड़ाइयां लड़ी, सुलहनामे किए और जागीरें और खिताबें भी भेंट की। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी।